नमः शिवाय दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुध देव का गोचर, उनकी स्वराशि और वायु तत्व वाली राशि मिथुन राशि में हो चुका है तो इसका सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिये, 25 मई 2020 को बुध देव मीन राशि में संचरण कर चुके हैं और यहाँ पर 2 अगस्त 2020 तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इन 66 दिन के अंतराल के पश्चात बुधदेव कर्क राशि में जाएंगे। तो इस समयावधि में कैसी स्थितियों का निर्माण मीन राशि के लिए बुधदेव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं बुध ग्रह का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से बुधदेव जाने जाते हैं। अपनी संगत के अनुसार ये शुभ फल देते हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि इनकी उच्च राशि होती है और मीन राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। बुध ग्रह को बुद्धि का, तर्क शक्ति का, संवाद शैली, गणित चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। मतलब इन सभी चीजों में बुध देव का आधिपत्य होता है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र ग्रह होते हैं, चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु ग्रह होते हैं। सप्ताह में बुधवार दिन बुध को समर्पित दिन माना जाता है। यदि कुंडली पर बुध मजबूत होते हैं तो जातक के अंदर कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जातक शारीरिक रूप से काफी सुंदर होता है, अधिक उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र का जातक दिखता है। आंखें चमकदार होती है, तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता काफी ज्यादा तीव्र होती है। जीवन में कुशल वक्ता होता है, अपनी बातों के द्वारा जादू बिखेरने के लिए जातक जाना जाता है। ऐसे जातक अपनी बातों के द्वारा व्यवसाय में काफी सफलता अर्जित करते हैं। यदि ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे तो आप जान जाएं कि उसका बुध काफी ज्यादा मजबूत है। बुध की स्थिति मजबूत होने पर कुंडली में जातक तर्क शक्ति काफी तीव्र होती है और गणित जैसे विषयों में अग्रणी स्थान रखता है। वहीं अगर कुंडली पर पीड़ित बुध होते हैं तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बुध से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जातक दिमागी रूप से कमजोर होता है, शारीरिक रूप से कई प्रकार के रोग जैसे नसों में पीड़ा, बहरापन, मुख एवं गले नाक से संबंधित रोग, तोतलापन, बोलने की समस्या, तंत्रिका तंत्र की परेशानी देखने के लिए मिलती है। तो चलिए जानते हैं मीन राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, यह बुध देव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस भाव से माता, घर, सुख सुविधाओं और कार्य क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है। तो बुध का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। परिवार में समरसता एवं खुशियां देखने के लिए मिलेगी एवं इन दिनों में आपके मन में शांति देखने के लिए मिलेगी। आपके मन में पुराने समय से चले आ रहे तनाव खत्म होंगे और इन दिनों में आपका द्वारा लिए गए निर्णय जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ाएगा एवं करियर की दिशा में आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाएगा। पेशेवर समय में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बुध का चतुर्थ भाव में स्थिति होने से आप आराम पस्त भी हो सकते हैं। आप सुखों का आनंद भी इन दिनों में ले सकते हैं। इन दिनों में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए एवं किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए। इन दिनों में आपको कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। अपने आप को सक्रिय बनाए रखने के लिए निरंतर आप अपडेट होते रहें, अपने ज्ञान को आप डेवलप करते रहें, बढ़ाते रहें। मीन राशि वाले जातकों, इस दौरान आप वाहन खरीद सकते हैं एवं घर अपने लिए खरीद सकते हैं। इस समयावधि में कोई बड़ा फैसला लेने से आपको काफी ज्यादा सजग रहना चाहिए। धन का निवेश करने से पूर्व आप काफी ज्यादा सोच समझ लें, क्योंकि निवेश आपके लिए उचित नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको इन दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा और जीवन साथी इन दिनों में आपकी काफी ज्यादा मदद करता हुआ नजर आएगा। इन दिनों में आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ती हुई नजर आएंगी एवं इन 66 दिनों में आने वाला समय आपके लिए उन्नतदायी रहने वाला है। व्यापार में आप चौतरफा मुनाफा कमाने के लिए समर्थ होंगे। जो नए जातक हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए कई प्रकार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। यदि आप बैंकिंग, लेक्चरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, संगीत, साहित्य, पर्यटन, परिवहन विभाग, संचार विभाग, रेल विभाग, खाद्य विभाग से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे लाभ देखने के लिए एवं इस फील्ड में आपको श्रेष्ठ मुकाम देखने के लिए मिलेंगे एवं इस फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। आप अच्छी तरह से समर्थ हो पाएंगे। तो यह रहा बुध के गोचर का मीन राशि के ऊपर प्रभाव। अब हम आपको यदि अनिष्ट बुध के लक्षण किसी जातक के ऊपर दिखाई दें तो हम कुछ आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आप करके
आप जीवन में सफलदायी स्थितियों को बना सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल सा उपाय है, इसको हर व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इन दिनों में यदि हो सके तो अपनी बाड़ी के द्वारा किसी व्यक्ति का आप नुकसान ना करें, किसी व्यक्ति के मन को चोट आप ना पहुंचाएं। यदि आपसे बुजुर्ग हैं तो उनके अनुभवों को अपने जीवन में लेना काफी ज्यादा आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इन दिनों में यदि आप हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आप जरूर किया करें। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम् विवंदनात् मृक्तो मोक्षे मामृतात्। मीन राशि वाले जातकों, बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। सूर्योदय से पहले आप 100 करोड़ उठ जाएं और इन दिनों में आप हो सके तो टहलने के लिए अपने जाएं। एक्सरसाइज करने के पश्चात गणपति जी का दर्शन आप जरूर कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में अनिष्ट बुद्ध के यदि लक्षण प्रभावी हैं तो वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। यदि आपके घर में धार्मिक ग्रंथ पड़े हुए हैं और बंद पड़े हुए हैं तो उनका बीच बीच में इस्तेमाल करते रहें। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मीन राशि वाले जातकों, इन दिनों में आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अपने समय का सदुपयोग करना है और अपने आप को निरंतर अपडेटेड रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ेगा एवं जीवन में चहुमुखी विकास करते हुए आप नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप दबाना ना भूलें। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज में हम उसका समाधान कर पाएं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।